केदारनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। यहाँ हुई बर्फबारी का आलम यह है कि 2 दिन पहले एक निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर ने केदारपुरी का दौरा किया, लेकिन 2 चक्कर लगाने के बाद हेलीकॉप्टर वापस लौट आया। दरअसल केदारनाथ धाम में कई फीट बर्फ जमा होने की वजह से हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका। बताया जा रहा है कि यहाँ हेलीपैड पर 12 फीट से ज़्यादा बर्फ मौजूद है। केदार घाटी में जंगल चट्टी से केदारनाथ तक 5 फीट से 12.5 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जबकि धाम में 14 फीट तक बर्फ है। यहाँ 21 जनवरी से अब तक 8 बार भारी बर्फबारी हो चुकी है। मंदिर परिसर, मंदिर मार्ग, मंदाकिनी नदी किनारे नवनिर्मित आस्था पथ, वैली ब्रिज, MI-26 हेलीपैड 12 फीट से अधिक बर्फ से ढके हुए हैं। मंदिर की छत पर भी बर्फ की मोटी परत जमी है। यही स्थिति कॉटेज और अन्य आवासीय भवनों की भी है। बताया जा रहा है कि साल 2014-15 के बाद अब केदारनाथ में ये स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन उस वक्त सिर्फ जनवरी तक ही भारी बर्फबारी हुई थी। इस बार मौसम विभाग ने आगामी मार्च के पहले हफ्ते में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में अप्रैल मई में शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा की तैयारियों पर भी असर पड़ सकता है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।